गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइस डिटरमिनेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन। ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन के लिए, ठीक है। कल हमने प्राइस डिटरमिनेशन किया था परफेक्ट कंपटीशन में, आज हमने देखना है कि शॉर्ट रन में कैसे हम जो है प्राइस को डिटरमिन कर सकते हैं। तो फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। ये हमने मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। तो फर्म जो है उसको हमने देखना है कि फर्म को जो शॉर्ट रन में है वो अपना प्राइस कैसे डिटरमिन करेगी। तो फर्स्ट हमारे पास है अबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। अबनॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। अ फर्म जो है वो अबनॉर्मल प्रॉफिट उसको तब ही होगा, इक्विलिब्रियम लेवल पर होगी उसकी आउटपुट, जब एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट, ठीक है जी। जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है हमारी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तब हमें जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है जी। तो जी डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं, ठीक है। तो ओ वाई एक्सिस पर, ठीक है जी, ओ एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली है, ओ वाई एक्सिस पर हमारा है प्राइस, ठीक है जी। तो ये जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, ठीक है जी। यहाँ पर ए आर जो है वो एम आर के इक्वल है, ठीक है। तो जो एम सी कर्व है वो यहाँ पर कट कर रही है, वो एम सी कर्व जो है वो एम आर को एम आर के साथ कट कर रही है, फ्रॉम द बिलो, बिलो से उसको कट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी है टोटल एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है ये। तो देखिए अब ई पॉइंट जो है, ये देखिए जो ई पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए आर जो है वो ए सी से ग्रेटर देन है, ठीक है, कि ये जो ए आर है वो ए सी से ग्रेटर देन है। तो ठीक है, ओ पी जो है वो प्राइस है, फर्म प्रोड्यूस ओ ओ क्यू क्वान्टिटी जो है वो उसने प्रोड्यूस की जब हमारा प्राइस था ओ पी। तो ओ क्यू आउटपुट जो है वो फर्म की एवरेज रेवेन्यू है, वो है ई क्यू, ई क्यू जो है वो फर्म का एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है जी। और जो बी क्यू है, ये हमारा बी क्यू पॉइंट देखिए जी, ये बी क्यू पॉइंट जो है वो हमारी एवरेज कॉस्ट है। तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ए आर जो है वो ए सी से ज़्यादा है। तो ये जो शेडर आइडिया एरिया है वो हमारा है अबनॉर्मल प्रॉफिट मीन सुपर प्रॉफिट। तो ए पी बी इतना एरिया जो है हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है जी, अबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉसेस, एट इक्विलिब्रियम आउटपुट फर्म में सफर लॉसेस, फर्म को लॉसेस भी सफर्स होते हैं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको हम शॉर्ट रन में रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमें लॉसेस कब होंगे, जब हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी एवरेज रेवेन्यू से। पहले हमारे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा थे, अब हमारी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमें क्या हो गए, लॉसेस, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखिए, ये है हमारी टोटल एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है जी, ये है हमारी एम सी कर्व, और ये जो ए आर इज इक्वल टू ई क्यू, इस यहाँ पर ई क्यू है ए आर, ठीक है जी, और बी क्यू है ये हमारा एवरेज कॉस्ट। तो ये चीज़ ज़्यादा है ना, तो ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा है लॉस। क्यों है लॉस? क्योंकि यहाँ पर हमारी ए सी कर्व जो है वो ग्रेटर देन है ए आर से, तो इसलिए हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। लास्ट है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स और ब्रेक इवन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फर्म की, जब फर्म की एवरेज कॉस्ट इक्वल होती है एवरेज रेवेन्यू से, तब हमें होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है जी, तब हमें होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक। तो इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर एम आर इज इक्वल्स टू है एम सी, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, और एम आर जो है वो नीचे से कट कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट ई पर, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो हमारी है ओ क्यू, इक्विलिब्रियम आउटपुट है यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है, यहाँ पर हमारा ए आर जो है वो हम इक्वल आ रहा है एवरेज कॉस्ट के, इक्वल आ रहा है, दैट्स मीन कि हमें क्या हो रहा है, नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है हमें इस पॉइंट पर, ठीक है। तो कंक्लूजन हमने क्या निकालते हैं कि जब हमारी, ये देखिए कंक्लूजन, कि जब हमारी ए आर मीन्स एवरेज कॉस्ट इक्वल है ए सी के, एवरेज रेवेन्यू हमारा इक्वल है एवरेज कॉस्ट से, तो हमें क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली है, ठीक है। और जब
हमारा ए आर ग्रेटर देन है ए सी से, तब हमें हो रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आप इस पॉइंट पर सुपर नॉर्मल लिख रहे हैं ना, यहाँ पर भी इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट लिखा है, वो गलत है। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो है वो है जब हमारी ए आर होगी लेस देन ए सी, मीन्स के जब हमारी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी तब हमें क्या हो गए लॉसेस। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीन चीज़ें जो है इसका कंक्लूजन है, ये तीन पॉइंट। ठीक, तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्ज़ाम में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना ये सारे डायग्राम अच्छे से क्लियर कर लेना, किसी भी डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।